मोनू जी कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है एसएससी जीएसटी परीक्षा 2022 के लिए। ये थैंक बताइएगा कि आप देखने से बहुत ही यंग लग रहे हैं, आपकी उम्र क्या होगी अभी? सर। 26 है। तो क्या आप अभी क्या कामशुदा है, काम कर रहे हैं कहीं, क्या जॉब वगैरह है? मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, वेस्टर्न रेलवे में, मुंबई डिवीजन, अच्छा, बता आप रही ऑलरेडी पहले से ही जॉब में है, तो 26 ईयर ओल्ड में अभी आप है, तो कब आपने जॉब लिया रेलवे सर। मेरी में? ज्वाइनिंग थी 12 जुलाई 2019। 12 जुलाई 2019, अर्थात आप लगभग, आपकी उम्र उस समय कितनी रही होगी जब आपने जॉब लिया था? अराउंड 22 के समथिंग, 22 22। पॉइंट। अच्छा, आपका आप किस तरह के पोस्ट में, आप जो है ना, सो ज्वाइनिंग आपकी हुई थी रेलवे में? सर मेरी हुई थी हेल्पर ब्रिज की पोस्ट पे ज्वाइनिंग, इंजीनियरिंग अच्छा डिपार्टमेंट अच्छा में सर, रेलवे में। क्या बात है कि तो आप मतलब एक्सपीरियंस भी हो गया, 3 साल से तो ज़्यादा आपका जॉब में ही हो गया है। तब ऐसा है कि यदि मैं अंदाज़ा लगाऊं तो आप शादीशुदा भी है, आपकी शादी भी हो गई होगी। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? मैं राजस्थान राजस्थान से। राजस्थान में जल्दी शादी होती है जनरली, से। तो आपका कोई इशू वगैरह भी है, कोई बच्चे? लड़का है मेरा 3 साल का। 3 साल के बच्चे भी है, वाह क्या बात है। तो ऐसा आपको क्या लगा? अच्छा खैर, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जानकारी जो भी सुन रहे हैं उनको आप जरूर दे दीजिए कि आपका रैंक क्या है और आप जो है कितना मार्क्स लाए हुए थे पेपर 1 और पेपर 2 में, और साथ ही साथ ये जरूर बताएंगे कि आप कौन से विभाग के लिए चयनित हुए हैं। सर मेरी रैंक रही थी 95 और हाँ, 95 रैंक हाँ है, बहुत अच्छा रैंक है। पेपर 1 में हाँ मेरे मार्क्स थे 167.5, जिसमें हिंदी में मेरे मार्क्स थे 91.25 क्या और बात है, इंग्लिश इंग्लिश में थे 76.25। वाह, आपको ये सारा 6 मार्क्स थे, 91 मार्क्स आपका हिंदी में, 71 मार्क्स आपका इंग्लिश में। अच्छा, आपकी कैटेगरी क्या रही थी है? कैटेगरी सर ओबीसी। ओबीसी है, तो आप कैसे जाने कि अनुवादक परीक्षा करके भी कोई परीक्षा होती है और उसके लिए मुझे जाना है? सर 2018 में मेरी एमए पूरी हुई थी इंग्लिश हाँ लिटरेचर से, और अच्छा, 2019 में मेरी यहाँ ज्वाइनिंग हो गई। उससे पहले मैंने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन की थी कुछ टाइम तक, अच्छा 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 उसके यहाँ पे मैथ और रीजनिंग पढ़ के मैंने यहाँ पे ज्वाइनिंग ली थी। ओ फिर उसके चलिए, बाद में जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो मुझे टेक्निकल लाइन मिली, जो मेरे से एकदम कौन से परे थी, जो मैंने सोचा नहीं मिली था, लेकिन पहले जॉब इम्पोर्टेंट थी इसके लिए मैंने यहाँ ज्वाइन किया। चलिए, तो अच्छी बात है कि अर्थात आप पहले सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, आपने एमए ऑलरेडी, जॉब को ज्वाइन करने से पहले एमए ऑलरेडी कर चुके थे इंग्लिश लिटरेचर में। ग्रेजुएशन में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? ग्रेजुएशन में सर मेरी इंग्लिश लिटरेचर था, पॉलिटिकल साइंस एंड जो अच्छा, और मीडियम आपकी हिंदी तो अवश्य रही होगी। इंग्लिश हाँ 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 ओके, और पीजीडीटी आपने कहाँ से कंप्लीट किया और कब किया? मैंने इग्नू से किया है, जयपुर हाँ रीजनल सेंटर से। अच्छा, जयपुर इग्नू सेंटर से किया आपने। वो कौन सा ईयर को आपने फिनिश किया, सत्र क्या था उसका? 2020 में मैंने एडमिशन किया था उसमें सर, हाँ, और 2021 में वो कंप्लीट हुआ जून 2020 सेशन का। अच्छा 2021, तो फिर तो आप तो समय तो गवाए ही नहीं, लगातार आप काम करते रहे। इधर COVID-19 का आपने भी बहुत फायदा उठाया होगा, हाँ सर बिल्कुल है ना? हाँ सही टाइम पे ज्वाइन मिला, इसके लिए हाँ सब सही रहा। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका जो है ना तैयारी करने का जो जर्नी रहा, जॉब भी आपको देखना था, आप उस समय तक शादी भी कर चुके थे, आपका उस समय तक कोई इश्यू भी आ गया था, तो इतने सारे मैनेजमेंट आपने किस तरह से किया, किस तरह से आप तैयारी की इस एग्जाम के लिए? जैसे 2019 में मेरे यहाँ पे ज्वाइनिंग लगी और टेक्निकल लाइन होने की वजह से मैंने सोचा मेरा स्कोप आगे नहीं, प्रमोशन वगैरह का यहाँ पे,
हम्म, तो उसके बिहाफ पे मैंने मेरा जो इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया था उसके लिए मैंने कुछ सर्च किया कि मैं आगे क्या क्या कर सकता हूँ कैरी फॉरवर्ड के लिए। तो फिर सर मैंने जैसे सर्च किया तो मुझे ये ट्रांसलेशन का फील्ड मिला, और हिंदी मेरी पहले से अच्छी थी तो, और इंग्लिश भी मैं पसंद करता हूँ सर। इंग्लिश लिटरेचर भी तो आपने रखा था पीजी में, है ना, तो वो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो है ना, जो जो आप फर्दर जो करियर को आपने जो चुना, कोई आपको मोटिवेट किया, कोई आपको जानकारी दिया कि आप इस तरह के एग्जाम के लिए भी आप जा सकते हैं, या आप खुद? मैं खुद ने गूगल पे सर्च किया था कि इंग्लिश प्रेजेंट से स्कोप में क्या क्या चीज मिल अच्छा, सकती है। मतलब तो आप तो खुद ही ना किए ना, कोई आपको मोटिवेट नहीं, कोई आपको बताया नहीं कि आप एसएससी जेएसटी के लिए जा सकते हैं? लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट किया था 2020 में, तब मेरे पास डिप्लोमा नहीं था सर, तब अच्छा। रैंडमली मेरे प्री में 155 मार्क्स आए, तब प्री, फिर मुझे कॉल लगा कि ये चीज इम्पोर्टेंट हो सकती है, इसके लिए मैंने यहाँ परमिशन लेके रेलवे से मैंने ओपन डिस्टेंस से पीजी की कंप्लीट किया। वाह, आपने पहला अटेम्प्ट लिया, लेकिन उस समय आपने डिप्लोमा नहीं किया था, लेकिन एग्जाम का पैटर्न आपके दिल को भा गया कि ये शायद मेरे लिए बना है, इसके लिए मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो क्या आप चूंकि ऑलरेडी कार्यरत थे और आपकी आपने अच्छा खासा एलिजिबिलिटी लेकर के गया था वहां पर, तो आप वहां पर क्या पाए थे, रेलवे रेलवे डिपार्टमेंट में क्या प्रमोशन के कम चांस थे, या क्या चीज आपको वहां पर थोड़ा अच्छा नहीं लगा, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, जिसके कारण से आप इधर अनुवादक परीक्षा की तैयारी करने में लग गए? जो जॉब सेटिस्फेक्शन मिली थी सर मुझे, जो मेरे घर से बहुत दूर मिली है सर, सबसे बड़ी चीज तो ये है। ऊपर अच्छा, से ग्रेड पे भी यहाँ पे 1800 है। हाँ, ओ बहुत कम। जहाँ से मतलब गवर्नमेंट जॉब इनिशिएट होती है वो जॉब हाँ मिली थी हाँ मुझे। अच्छा। ये मैंने स्कोप देखा, फिर मैंने इसकी हाँ प्रिपरेशन की सर। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि देखिए, जब तक उम्र है, जब हमारे पास काबिलियत है, एबिलिटी है, दक्षता है, और तब तक हम लोगों को चांस छोड़ना नहीं चाहिए, किसी कोई भी अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। यदि उससे भी बेटर स्कोप हम लोगों को मिल रहा है, तब उस स्कोप की ओर हम लोगों को रुख करना चाहिए, और आपने वही किया। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि चलिए, एक तो आपने बताया कि मुझे सैलरी की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, सैलरी बहुत कम थी, ग्रेड पे कम था आपका उसमें, और दूसरा क्या आपने कारण बताया कि घर से आपका जो पोस्टिंग जो जहाँ पर थी वो काफी दूर था, वहां पर भी आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते होंगे, है ना, आने जाने में, है कि नहीं, इस कारण से थोड़ी बचत कम होती होगी। तो क्या यही दो रीजन था कि आप उसको छोड़ना चाहें और इसको पकड़ना चाहें? जो रहेगा उसका ये रहेगा, मेरा टेक्निकल लाइन मिली थी सर, और मेरे पास टेक्निकल ना कोई डिग्री ना आईटीआई कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे मेरे पास स्कोप नहीं है प्रमोट करने का मेरे डिपार्टमेंट में। अच्छा। हाँ, सबसे बढ़िया है कि यहाँ पर आप पूरी तरह से लिमिटेड हो गए हैं, मतलब यहाँ से बढ़ने का कोई स्कोप आपको नहीं मिला। हाँ बाकी यहाँ से जाने हाँ आने जाने में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, रेलवे एम्प्लॉय हाँ है तो पासेज वगैरह मिलते हैं सर मुझे, उतना इशू नहीं होता। मैंने कि प्रमोशन के कोई स्कोप नहीं है, ग्रेड पे सही नहीं है, जॉब साइट ऑब्वियसली क्या है ना, यही सब चीजें जॉब को जॉब सेटिस्फेक्शन देती है, लेकिन वो नहीं है तो फिर आप उसमें क्यों रहेंगे, है ना। और आपके पास उम्र, तो अभी भी आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, इसके बाद भी आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। तो ये बताइएगा, क्या ये आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन तो हो गया, आप जीएसटी तो हो गए, क्या इसके बाद कोई तीसरे चीज के बारे में सोचना चाहेंगे? क्योंकि अभी तो एग्जिस्टिंग में तो आप ऑलरेडी एम्प्लॉय है ही, और इधर जीएसटी भी बन गए हैं आप, क्या इसके बाद फिर आप सिविल सर्विसेज वगैरह के बारे में भी सोच रखे हैं कि बस ये फाइनल हो गया? नहीं सर, फाइनल नहीं है तो शुरुआत अच्छा चलिए, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, है ना, ये अभी जस्ट शुरुआत है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइएगा कि आप बच्चे लोग ये जानना चाहते हैं, जो भी सफल छात्र होते हैं, कि वो तैयारी आखिर कैसे करते हैं, इतने सारे मार्क्स, पूरा भर भर करके मार्क्स कैसे ले आते हैं, कैसे आप सफल हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग सफल क्यों नहीं हो पाते, क्या वजह है, आप अपना अनुभव को साझा करें। सर। देखिए
मेरे अनुसार सर प्रैक्टिस प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको सफलता मिलेगी। हालांकि कई बार सफलता मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन देर का किसी को जल्दी मिलता है किसी को लेट मिलता है, लेकिन सफलता मिल ही जाती है। जरूर जरूर। अपना हम सिर्फ अभ्यास कर सकते हैं और कुछ हम नहीं। नियमितता तो जरूर ही है कि आप नियमित रहिए, आप रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, लगन रखिए और खुद पर विश्वास रखिए, आप बन ही जाएंगे, जो चाहेंगे वो बन जाएंगे। और आपने वो चीज किया तो पेपर वन की जो तैयारी आपने किया, पेपर वन में आपने बहुत अच्छा मार्क्स लाए, 91 मार्क्स आपने हिंदी में लाया, 71 मार्क्स आपने इंग्लिश में लाया, तो इसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाया था कि किस तरह से आप पढ़ाई किए इस पेपर के लिए? अच्छा अच्छा। और मॉक्स वगैरह? मॉक्स मैंने सीजीएल के ही दिए थे। अच्छा। तो सीजीएल में तो हिंदी तो नहीं आता है, तो हिंदी के लिए तो आपको तो मॉक्स तो जरूरी था ना? तो मैंने मॉक्स नहीं लगाए थे। मैं अच्छा, वो बुक वगैरह कोई आपने खरीद लिया था तो उसी में ही आप शायद हिंदी वगैरह का सेट प्रैक्टिस करते थे, ऐसा कुछ क्या? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। चलिए, काफी अच्छी आपकी ये रही कि कोई दिक्कत नहीं है कि अगर हमें टू द पॉइंट कोई चीज नहीं मिल रहा है, लेकिन उसी के अनुरूप हमारा कोई अगर पैटर्न मिल रहा है, चाहे वो बुक मिल रहा हो, चाहे गाइडेंस मिल रहा हो, तो उसको ले लेना चाहिए। खैर, ये तो होगी पेपर वन की बात। पेपर टू जो कहलाता है सबसे डिफिकल्ट स्टेज, इसमें दक्षता की आवश्यकता होती है, इसमें स्किल की आवश्यकता होती है, पूरी तरह से स्किल बेस्ड यह पेपर होता है। इसके लिए आपने क्या सोच रखा था और तैयारी कैसे किया इसके लिए? डिस्क्रिप्टिव के लिए था कि एमए के बाद मैंने डिस्क्रिप्टिव ना तो एग्जाम देना, मैंने डब्ल्यूएचएस की प्रैक्टिस की, लेकिन रैंडम जॉब के साथ साथ कभी टाइम मतलब कभी रात 8 बज जाते थे पहुंचने में, कभी सुबह जल्दी में निकलना पड़ता था साइट पे जाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद मैंने कोशिश की सर इसके लिए कि मैंने जब आपका असाइनमेंट नंबर 17 प्रैक्टिस में चल रहा था तो मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया सर। अच्छा अच्छा। तब मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया, तब आपका बैच लिया मैंने। मुझे आपकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही है ना, आपने कांटेक्ट किया था, सही बात है। मैंने आपसे कांटेक्ट किया था कि मैं ऐसे रेलवे एम्प्लॉय हूं, मुझे प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए आपने रिकमेंड किया था हमारा बैच ले लीजिए। मैंने आपका बैच लिया और उसी असाइनमेंट 17 के बाद आपने जितने भी असाइनमेंट दिए वो मैंने कभी लेट नाइट हो सकता है 12:30-1 बजे तक सबमिट किया हूँ आपके पास। जब भी मेरे को टाइम मिला आपके मॉक पूरे करने के लिए, 6 मॉक आपने दिए थे, ये बताइएगा कि देखिएगा सबसे बड़ी बात क्या है कि टाइम का मैनेजमेंट, एक तो आप शादीशुदा, दूसरा क्या है कि आप कामशुदा, आप टाइम कितना निकालते थे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कि क्या है ना कि फंसे हुए रह जाते हैं अपने घर गृहस्थी में, और वो इस तरह का सोचते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, बच्चों को देना पड़ता है, घर देखना पड़ता है, काम भी देखना पड़ता है। आप कैसे सामंजस्य बनाया इन सभी चीजों में? निकालना पड़ता है, ये बात आपने सही कहा कि निकालना पड़ता है ना। हाँ, टाइम कम लगता है, बहुत जल्दी जा रहा है। कितने टाइम में हम कितना लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपेयर था और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आंसर लिए थे। क्या बात है,
जैसे मैंने थोड़े छोटे लिखे लेकिन मैंने उनको समाप्त कर दिया था। हाँ, लेकिन आपने उसमें कंटेंट अच्छा डाला होगा, हाँ क्यों? जी सर। हाँ, तो ये बताइएगा कि देखिएगा, पेपर टू आपने जैसा कि कहा कि आपने कभी डिस्क्रिप्टिव लिखा ही नहीं है, एमए के बाद अपना, हाँ है ना, एमए के बाद लिखा ही नहीं। जो भी लिखा आप कोर्स को लेने के बाद वही असाइनमेंट किया करते थे, रोज असाइनमेंट मिलता था, फिर उसके बाद फिर मॉक्स लगाया करते थे। इसके अलावा जैसे कि क्या है ना कि थोड़ा रिस्की हो जाता है कि चूंकि आप लिए होंगे तो पेपर वन की तैयारी के बाद, पेपर वन का जी एग्जाम सर। हुआ उसके बाद आपने लिया, काफी देर से आपने, आप जो है ना हम लोगों से जुड़े, जी तो सर। ऐसा आपको नहीं लगा कि आप रिस्क ले रहे हैं? पेपर टू के लिए आपको पहले से ही जुड़ना चाहिए था। जुड़ने से मुझे ये था कुछ स्कोप नहीं, स्कोप मुझे मिल नहीं रहा था, थोड़ा सा कुछ यहाँ अचानक थे भी मिला सिलेक्शन आपको? वगैरह थे, जॉब के साथ चीजें मेरे नहीं होती थी उसके अच्छा साथ, अच्छा 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 तो ओ, उसको लेकिन देखने आप में मैंने, तलाश में थे कि कहीं से कुछ गाइडेंस मिल जाए। जैसे मुझे पता चला आपकी गाइडेंस के बारे में मैंने आप तुरंत कांटेक्ट किया, मैं थोड़ा लेट था लेकिन मैंने कांटेक्ट किया, मतलब जितना टाइम बचा है उसी को यूटिलाइज किया जाए जितना हाँ, और उसका आपने भरपूर यूटिलाइजेशन किया और अभी आप मैक्सिमम। एक सफल छात्र के रूप में आप है अभी उपस्थित, क्या बात है। अच्छा ये बताइएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका सफल चयन हुआ नहीं है, आप उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे कि कैसे करके वो तैयारी करें ताकि वो भी कभी भी डिमोटिवेटेड ना फील करें और आगे बढ़ते रहें अनवरत? उसे उसके लिए डिमोटिवेशन जैसी चीजें तो कुछ होती नहीं है, अपनी कंडीशन को रिपेयर मतलब सुधारने के लिए अपने वो कंसिस्टेंस एफर्ट ही करने पड़ेंगे, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है और ना कभी होते हैं, उसके लिए हम हाँ हमारे एफर्ट कंटिन्यू करें, जब गाइडेंस की जरूरत पड़े तो आपसे सर गाइडेंस ले सकते हैं, और भी किसी जिनसे वो इंस्पायर हूँ उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं और अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखें, अच्छा ये जिस तरह से उनकी चीज़, कुछ जरूरत नहीं है। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छी बात आपने कहा। मोनू जी ये चीज़ बताइएगा कि आप जो पेपर टू आपने दिया था तो उसमें उस पेपर में आप सबसे पहले अनुवाद खंड को किया था या पहले आप निबंध लिखना शुरू किया था? ट्रांसलेशन खत्म किया इसी में, मेरे को लगता था मैं मैक्सिमम मार्क्स वहीं पे खत्म कर पाऊंगा, हाँ ऐसे के टॉपिक्स मेरे थोड़े प्रिपेयर किए कम लगे तो मैंने पहले ट्रांसलेशन प्रिपेयर किया, और मैं मॉक टेस्ट में भी पहले ट्रांसलेशन ही करता था कि जितना टाइम मैं ट्रांसलेशन में बचा सकूँ वही अच्छा है, जैसे पैंतालीस हाँ पचास मिनट में मैंने कर लिया तो ऐसे के लिए मैं वो टाइम वेस्ट कर लिया। ये रणनीति आपकी काम आई क्योंकि ट्रांसलेशन में तो वही चीज लिखना है जो कि दिया हुआ है, उसमें आप बेस्ट दे दीजिए तब उसमें सॉलिड नंबर मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे की जहां तक बात है तो अगर गेस किया हुआ क्वेश्चन नहीं आया तो फिर रिस्की हो जाता है, मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपकी वहां पर रणनीति काम आई कि आपने सबसे पहले ट्रांसलेशन के खंड को लिया और उसमें उसमें आपने बेस्ट दिया, इसके बाद फिर आपने ऐसे के खंड को किया। चलिए बहुत बहुत ही धन्यवाद आपको मोनू जी, और आपका आने वाला भविष्य काफी स्वर्णिम हो, मेरी तरफ से बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, और आपके भी सपोर्ट के लिए आपको बहुत सारे थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।